नमस्कार, अनापानसति ध्यान में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह एक अत्यंत ही शक्तिशाली प्रयोग है और बुद्ध बनने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, अगर आज आप यहाँ पहुँचे हैं तो ये कोई दुर्घटना नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कोई ना कोई आपके अंदर है जो कि अपने अंदर के बुद्ध को जगाना चाहता है। कुछ ऐसा आपके अंदर है जो कि अपने दुखों को नष्ट करना चाहता है, अपनी बीमारियों से मुक्ति पाना चाहता है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहता है। दोस्तों, चलिए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। आराम से बैठ जाएं। बेहतर होगा कि आप जमीन पर पालथी मारकर या सिद्धासन या पद्मासन में बैठें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कमर और आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो ये कोशिश करें कि आप कुर्सी पर बैठ जाएं। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें एक साक्षी भाव के साथ। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अपने शरीर में हो रही हर हलचल को देखना शुरू करें एक साक्षी भाव से। दोस्तों, इस ध्यान को हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने ढूंढा था और इसी ध्यान विधि से वो बुद्ध बने और उसके बाद से हजारों लाखों लोगों ने अपने सांसों के साथ जुड़ना शुरू किया और इस ध्यान प्रयोग के बाद वो भी बुद्ध बन गए। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत हो रहा है और आपका मन एक गहन विश्राम में डूबता चला जा रहा है। आज ये समय है अपने आप को जानने का। हमने बहुत सारे लोगों से दोस्ती की, उनको समय दिया, लेकिन जीवन का मकसद तब तक सॉल्व नहीं होता जब तक कि हम खुद को ना जाने, खुद को ना पहचाने। इट्स वेरी इजी टू मीट एवरीबडी आउटसाइड, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मीट द पर्सन विद इन यू। अब हम अपनी सांसों को देखना शुरू करें। आन अपान का मतलब है सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, और सति का मतलब है अवेयरनेस। कहने का अर्थ ये कि यह ध्यान वो तकनीक है जिसमें कि हम अपने सांसों के दृष्टा बनेंगे। ये ध्यान रहे कि अपने सांसों की गति को कम या ज्यादा नहीं करना, सिर्फ उसके दृष्टा बन जाना है, सिर्फ उसको देखते रहना है, देखते रहना है।
एक भी सांस ना छूटे। सांस अंदर जा रही है, मैं इसका दृष्टा हूं, और सांस बाहर जा रही है, मैं इसका भी दृष्टा हूं। दोस्तों, आपका दुख, चिंता, परेशानियां, ये सब आपके विचारों से उत्पन्न होती हैं, और आपके विचारों का स्वामी बनने का सबसे आसान तरीका है ध्यान, और ध्यान का सबसे आसान तरीका है सांसों के साथ एक हो जाना, सांसों के दृष्टा बन जाना। अगर विचार आए तो विचारों से कोई लड़ाई नहीं करनी है, बस उसको देखते जाना है, और जो ही आपको होश आए अपनी चेतना को वापस सांसों के ऊपर लगाइए। आपका मन हजारों तर्क दे रहा होगा, ये काम इम्पॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन चेक करनी है, लेकिन अभी ये समय है कि आप बस अपने सांसों के साथ हो जाएं, बस अपने सांसों के दृष्टा बन जाएं। एक भी सांस आपकी अवेयरनेस से ना छूटे, बस सांसों को देखते चले जाइए। दोस्तों, हमारे मन में गहन अंधेरा है, और इसके कारण ही हमारे जीवन में तकलीफें हैं, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि ध्यान की ऊर्जा अपने अंदर लाएं, या फिर हम सांसों के साक्षी बन जाएं। आज ये मौका है कि विचारों के अंधकार को आप ज्ञान की कैंची से या ध्यान की कैंची से काट सकते हैं। इस अवसर को ना चूकना। बस सहजता के साथ सांसों को देखते रहना है, सांसों के साक्षी बन जाना है। हर आती हुई सांस के दृष्टा और हर बाहर जाती हुई सांस के दृष्टा, बस यही दृष्टा भाव वो शक्ति है जो कि आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी, जो कि आपको बुद्ध बनाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, ध्यान इस जीवन की संजीवनी है, और जो कोई भी ध्यान से वंचित है वो अमृत को हाथ में लेकर भी अमृत पान से खुद को दूर रख रहा है। आइए आज हम ध्यान रूपी इस अमृत का पान करें।
जस्ट बी विथ योर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इन यू आर अवेयर, ब्रीदिंग आउट यू आर अवेयर, जस्ट बी अ विटनेस ऑफ योर ब्रीदिंग. Don't try to manipulate. Don't try to control the speed of your breathing, the rate and rhythm of your breathing. Just focus on your breathing. Become one with your breathing. कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, ना कोई विचार, ना ही कोई भावना, ना ही कोई एफर्मेशन. इस समय आपका एक ही उद्देश्य है, आप अपनी अवेयरनेस को या आप अपनी चेतना को एक उच्च स्तर पर स्थापित करें. और इसके लिए आपको अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है, जुड़ जाना है, एक हो जाना है. बिकम वन विथ योर ब्रीदिंग. अपनी सांसों के साथ ही बनी रहना है. विचार आएंगे, लेकिन आपको विचारों के साथ जुड़ना नहीं है. आप बस अपनी सांसों के साथ बनी रहें. विचार बादल की तरह आएंगे और बादल की तरह गायब हो जाएंगे. एक दृष्टा भाव से अपनी सांसों को देखते रहें. क्या है आपकी सांसों की गति? क्या ये तेज है या ये धीमी है? क्या ये गर्म है या यह ठंडी है? कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई बदलाव की अपेक्षा नहीं. बस जो हो रहा है उसको देखते रहें, उसके दृष्टा बन जाएं. हर सांस के साथ आप और गहन ध्यान में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं. परिस्थिति चाहे कोई भी हो, उसका मूल कारण है अज्ञानता. और ज्ञानी बनने का सबसे आसान, सबसे सहज तरीका है ध्यान. तो आइए हम लोग ध्यान में गहराई से डूब जाएं.
कोई सोच नहीं, कोई भावना नहीं, कोई विचार नहीं, बस सांस और आप सांसों को देखते रहें। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि सांसों की गति धीरे धीरे और धीमी हो रही है। लेकिन लगातार सांसों के साक्षी बने रहें, बी अ विटनेस ऑफ योर ब्रीदिंग, उसको उसी तरीके से देखें जैसे आप सड़क पे ट्रैफिक को देख रहे हैं। आज ये समय है कि हम जन्म जन्म के कर्मों से मुक्ति पाएं, सैकड़ों वर्षों के विचारों की गुलामी से मुक्ति प्राप्त करें, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, न जाने विचारों की क्या क्या खेल हैं, इन सारे खेलों से मुक्ति पाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ध्यान करें, आप सांसों के साथ जुड़ जाएं। आपका मन हजार तर्क दे रहा होगा कि चलो शरीर में झनझनाहट हो रही है, अभी अपने मोबाइल फोन को चेक कर लें, अभी बाहर किसी के साथ खेल लें। लेकिन दोस्तों, याद रखना, आपके पास समय बहुत ही कम है। लगातार सांसों के साथ बने रहेंगे, हर अंदर आती हुई सांस और हर बाहर जाती हुई सांस। पूरी तरह से सांसों के साक्षी बन जाएं, सांसों के साथ एक हो जाएं। दोस्तों, हम सब में बुद्ध बनने के बीज हैं और इस बीज को हम वृक्ष तभी बना पाएंगे जब हम अपनी सांसों को देखना शुरू करें, जब हम ध्यान करना शुरू करें, जब हम ध्यान को अपनी हैबिट बना लें। लगातार सांसों के साथ बनी रहिए। मन अगर भागता है तो उसको वापस अपने सांसों के ऊपर ले आइए,
अगर आपका शरीर आपका ध्यान भटकाता है तो शरीर को थोड़ी मूवमेंट दे सकते हैं शुरुआत में, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप आंखें ना खोलें। लगातार अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। मन का स्वभाव है भटकना, लेकिन आपको इसको ये सिखाना पड़ेगा कि आप सांसों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। ज्यों ज्यों आप सांसों के साथ मस्ती कर रहे हैं, त्यों त्यों आप ये पाएंगे कि आपका मन और शांत होने लगा है और आपके हृदय से आनंद की खुशबू फूटने लगी है। ना ही भूतकाल का कोई विचार और ना ही कोई भविष्य की चिंता। आप अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्सेंट्रेट करें, वो वर्तमान जहां कोई दुख नहीं है, वो वर्तमान जहां जीवन आनंद में कटता है, वो वर्तमान जहां की धन वैभव हर चीज उपलब्ध है। आप इस वर्तमान के साथ जुड़ें और वर्तमान के साथ जुड़ने की आपकी कड़ी है आपकी सांसें। आपने अपने समय को अपने रिश्तों में इन्वेस्ट किया, अपने दोस्तों के साथ इंटरटेनमेंट में, फिल्मों में इन्वेस्ट किया। आज ये समय है कि अपने मूल्यवान समय को आप अपने आप में इन्वेस्ट करें और आप ये देखेंगे कि आपको इसका रिटर्न करोड़ों गुना मिल रहा है। ध्यान से आनंद की उत्पत्ति होती है, वैभव की उत्पत्ति होती है, एबंडेंस की उत्पत्ति होती है। अब हम ध्यान से धीरे धीरे बाहर आएंगे। एक बार फिर से आसपास की आवाजों के साक्षी बनिए। महसूस करिए कि आपके शरीर में कहां और कौन सी संवेदनाएं हैं। कृपया कोई भी शीघ्रता ना करें, सहजता के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे। इस संकल्प के साथ कि हमारी सारी बीमारियां, सारे दुख, सारी समस्याओं का हल अगर ध्यान में है तो हम हर रोज कम से कम आधे घंटे ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें अगले 5 से 7 सेकंड तक। दोस्तों, मेरा ये मिशन है कि मैं हर किसी को ध्यान सिखाऊं, क्योंकि ध्यान में वो शक्ति है जिसके सहारे कि आप कुछ भी कर सकते हो, धन हासिल कर सकते हो,
अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, रिश्तों को बेहतर कर सकते हो, यहाँ तक कि असंभव को संभव बना सकते हो और मुश्किल को आसान कर सकते हो। इसलिए आप भी ये ध्यान हर किसी को सिखाएं। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं और महसूस करिए कि आपका मन विचार शून्य होकर कैसा लग रहा है, आपको कितनी शांति का एहसास हो रहा है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।